ठीक है, आप कल से ऑफिस आ जाइए। वैसे भी आप जैसे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोगों की तो इस ऑफिस को जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। मैं कल से ज्वाइन करती हूँ। ओके। सर बट हमारे ऑफिस में तो इनफ एम्प्लॉयज हैं, तो आपने इसको भी रख लिया। बात तो ठीक है तुम्हारी, हमारे ऑफिस में पहले से बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। वैसे भी हमारी कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, हम सारे प्रोजेक्ट्स को इससे कंप्लीट करा लेंगे और उसके बाद निकाल देंगे। अभी जाओ तुम। अंशिका। यस सर। अंशिका, कुछ फाइल्स हैं, इनके आपको प्रेजेंटेशन बनानी है इस वीक से पहले पहले, एक बार देख लो। सर ये तो बहुत सारी फाइल्स हैं, ये एक वीक में कैसे होगा? अरे कैसे नहीं हो पाएगा भाई, हमें तो पूरा यकीन है आप पे कि आप कर लोगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा काम मैं आपसे करा रहा हूँ इसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। ओके सर, मैं कर दूंगी कंप्लीट। गुड, कंटिन्यू प्लीज। सर सर ये प्रेजेंटेशन की फाइल्स मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अरे वाह, देखा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था भाई कि तुम हो इतनी काबिल, इतना इजीली कर दिया ना काम। थैंक यू सो मच। गुड। अंशिका। यस सर। कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? देखो पहले से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी में और इस काम के लिए मैंने तुम्हें रखा था वो तुमने कर दिया सर, तो कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। सर मुझे सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं ज्वाइन किए, आप अभी कैसे मुझे निकाल सकते हैं? और मैंने सारा काम कंप्लीट किया है। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, ये कंपनी मेरी है, मैं यहाँ का बॉस हूँ, जो मेरे मन माया मैं कर सकता हूँ। सर ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं, काम तो ऐसे ही होता है एंड दिस इज बिजनेस। तुम मुझे ये मत सिखाओ कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है? सर तो मुझे मेरी सैलरी मिलेगी ना? किस बात की सैलरी? सर जो सैलरी तय हुई थी और आपने इंसेंटिव्स भी बोला था क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा काम किया। तुमने कभी सुना है कि कहीं 3 हफ्ते की सैलरी मिलती है? हा? मैं थोड़ी जॉब छोड़ रही हूँ, आप मुझे निकाल रहे हैं और मैंने सारा काम किया है तो मैं डिजर्व करती हूँ सैलरी। तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या डिजर्व करती है और क्या नहीं, समझी? अब यहाँ खड़ी हो गया ना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। सर ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, ऐसे तो आपने मुझे बस काम निकलवाने के लिए हायर किया था। तुम्हें ना जो समझना है वो समझ लो, ठीक है? हाँ इसीलिए रखा था मैंने तुम्हें, अब ना निकलो यहाँ से। आई सेड लीव। सर अंशिका ने हमारे अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेन कर दी है सर, बिना सैलरी दिए जॉब से निकाल देने का, कोर्ट से लीगल नोटिस आया सर। ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ सर आपको उससे बात करनी चाहिए सर, ऐसे तो हमारी कंपनी की बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम जाओ मैं कुछ देखता हूँ। क्यों आए हो? अंशिका मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ आ गया। क्या बात करनी है? अंशिका तुमने मेरी कंपनी के खिलाफ जो कंप्लेंट की है उसका नोटिस मुझे आया है। देखो इस नोटिस को वापस ले लो वरना मेरी कंपनी की बहुत बदनामी हो जाएगी मार्केट में।
अच्छा देखो, मैं तुम्हें फिर से जॉब पे रखने के लिए तैयार हूँ। इवन मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, वो भी डबल। तुम बस ये नोटिस वापस ले लो। देखो अंशिका, मेरी बात समझो। आ गए औकात पे। तुम्हारे जैसे लोग ना बस हर चीज में अपना ही फायदा देख सकते हैं। खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझ रहे थे ना मेरे साथ गलत करके। अब कोर्ट में देखती हूँ कितने बड़े बिजनेसमैन हो तुम। मैं कोई कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। तुम्हें क्या लगा मुझे लॉज नहीं पता? कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को बिना सैलरी दिए नहीं निकाल सकती। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। अंशिका मेरी बात सुनो। ये सुनना सुनाना आप कोर्ट में करें। अंशिका ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। अंशिका देखो मैं, अंशिका 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 अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।